पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार में बहाली हो और फर्जीवाड़ा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिहार के शिक्षा विभाग के लिए तकिया कलाम बन चुका फर्जीवाड़ा एक बार फिर से खुल के सामने आ चुका है। दरअसल बीपीएससी से बहाली हुई है नौ नियुक्त शिक्षकों की। इन शिक्षकों में कई ऐसे शिक्षक ऐसे भी हैं जो फर्जी रूप से बहाली उनकी हो गई है और वो इन दिनों बिहार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन शिक्षा विभाग अब इस खुलासे के बाद उनकी टेंशन बढ़ गई है, परेशानियां बढ़ गई हैं। उसके बाद से अब काफ़ी ज़्यादा जांच परख चल रही है कि कौन सा जिला है जिस जिले में फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति इन दिनों हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि बीपीएससी से नौ नियुक्त शिक्षक इन दिनों फर्जी रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनके लिए फर्जीवाड़ा का खुलासा करने के लिए, उनके जांच करने के लिए बायोमेट्रिक से जांच चल रही है। एक बार फिर से जो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जिला मुख्यालय में अगर आप जाएंगे तो डीआरसी में ये तमाम प्रकरण इन दिनों किए जा रहे हैं और थंब वेरिफिकेशन के बाद थंब इम्प्रेशन के माध्यम से उनकी जांच की जा रही है कि वाकई में ये वही शिक्षक हैं जिनका नियुक्ति पत्र मिला है, जिनका वेरिफिकेशन पहले हो चुका है, या फिर जिस तरीके से दरभंगा में कल ही हमने आपको बताया था कि दूसरे के बदले परीक्षा देकर सेवाएं देने वाले शिक्षक हैं। अब देखिए बिहार में जगह जगह पर खुलासे पे खुलासे हो रहे हैं। 226 शिक्षक ऐसे हैं जिनकी नौकरी खतरे में है। मुजफ्फरपुर शिक्षा विभाग के निर्देश के तहत बीपीएससी के पहले फेज में बहाल शिक्षकों का एक बार फिर से वेरिफिकेशन हो रहा है। थम वेरिफिकेशन के दौरान कहीं शिक्षकों का थम इम्प्रेशन नहीं मिल रहा है। पिछले 7 दिनों में अब तक 226 शिक्षकों का थम इम्प्रेशन नहीं मिल पाया। ऐसे में यह सभी संदेह के घेरे में आ गए हैं, लेकिन इन्हें एक बार फिर से मौका दिया जाएगा, इनकी जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी ने दी है। 4 जनवरी से जिला के शिक्षा भवन स्थित कार्यालय में विभिन्न प्रखंड के शिक्षकों का थम वेरिफिकेशन कार्य किया जा रहा है। हर दिन अलग अलग प्रखंडों का वेरिफिकेशन कार्य किया जाता है। पिछले 7 दिनों में लगभग 1121 शिक्षक कार्यालय पहुँचे, लेकिन उनमें 911 शिक्षकों का थम इम्प्रेशन मिला और 226 शिक्षक संदिग्ध पाए गए हैं जिनका मिलान सही से नहीं हो पाया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार सिंह बताते हैं कि जिन शिक्षकों का मिलान नहीं हुआ उन्हें एक बार फिर से मौका दिया जाएगा, अगर नहीं होने पर उनकी नौकरी भी खतरे में आ सकती है। ऐसे फर्जी शिक्षक जो हमारे सिस्टम में घुस गए हैं उन पर एक्शन लिया जा रहा है। यानी कि अगर समझिए टेक्निकल अगर कुछ भी गड़बड़ होता है, अगर आपका थम इम्प्रेशन नहीं मिलता है, आप सही भी हैं, तो शायद आपको फर्जी बताकर आपकी नौकरी जा सकती है। तो ये हालात बिहार के तमाम जगहों पर इन दिनों बन रहे हैं जिन जिला मुख्यालयों में फर्जी शिक्षकों की जांच की जा रही है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि शिक्षा विभाग पहले क्यों नहीं इन तमाम प्रकरण को पूरा कर लेता है। जब फर्जी शिक्षक नियुक्त हो गए हैं तब ये व्यवस्था किया जा रहा है। अगर थोड़ी सी भी टेक्निकल गड़बड़ियाँ होती हैं, थंब इम्प्रेशन नहीं मिलता है, तब क्या करेंगे वैसे शिक्षक जिन्होंने परीक्षा पास की है, जिन्होंने मेहनत करके परीक्षा दिया, नौकरी पाई, एक उम्मीद उनके चेहरे पर खिल गई, लेकिन फिर से जब सरकार नौकरी देकर सरकार नौकरी छीन लेगी तब उनके मन में क्या स्थितियां उत्पन्न होगी, ये अब सोचने वाली बात हो गई है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।